हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वाले पर। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि विभिन्न दांतों के कार्य तथा निचला जबड़ा में कितना उपस्थित है तथा ऊपरी जबड़ा में कितना उपस्थित है तथा दांतों का कुल योग कितना है। तो चलिए, पहला दांत है कृंतक। पहला दांत क्या है? कृंतक। तो ये क्या दांत है? पकड़ने तथा काटने वाले दांत है। इनकी संख्या 8 होती है। ऊपरा जबड़ा में होता है 4 और निचला जबड़ा में होता है 4। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं रदनक। आगे चलते हैं रदनक। देखिए, ये चिरने एवं फाड़ने वाले दांत होती हैं। चिरने एवं फाड़ने वाले दांत होते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होते हैं? 4 होते हैं। तो ऊपरी जबड़ा में 2 और निचली जबड़ा में 2। और आगे है अग्रचर्वणक। आगे है अग्रचर्वणक। तो देखिए, अग्रचर्वणक जो है चबाने एवं पीसने वाला दांत है। इनकी संख्या कितनी होती है? 8। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 8 होते हैं। ऊपरी जबड़ी में 4 और निचले जबड़ी में 4। और देखिए आगे है चवर्णक। तो चवर्णक देखिए, ये चबाने एवं कुचलने वाले दांत है। चबाने एवं कुचलने वाले दांत हैं। कौन? चवर्णक। इनकी संख्या 12 होती है। ऊपरी जबड़ी में 6 और निचली जबड़ी में 6। तो अगर हम टोटल को मिला दें तो ये आपका हो जाएगा 32। चलिए, तो वीडियो समाप्त हुआ।